नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर विद्युत रसायन का पार्ट नंबर 6 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आते हैं। तो आज ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ तत्व लेते हैं, जैसे कि इसमें लेते हैं हम लोग सोडियम, तो यहाँ पर ये लिया गया है पहले सोडियम। इसके अलावा यहाँ पर ले लेते हैं गोल्ड यानी कि AU, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम यानी कि MG, और यहाँ पर कॉपर यानी कि Cu। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चार तत्व तो लिए गए हैं। तो अगर हम लोग इनके यहाँ पर अपचयन विभव लिखें, यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो ध्यान दीजिए जो सोडियम होता है इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है -2.71 वोल्ट इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये यहाँ पर इतना होता है। इसके अलावा जो गोल्ड होता है इसका यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है 1.40 वोल्ट, और ये धनात्मक होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है इसका होता है -2.37 वोल्ट। इसी प्रकार से कॉपर, कॉपर का होता है +0.34। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चार तत्व लिए गए हैं और यहाँ पर इन चारों तत्वों के जो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिए गए हैं। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो जो श्रेणी बनती है उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसमें यहाँ पर दिया गया -2.71, तो यहाँ पर ये -2.71 है और ये -2.37 है। तो यहाँ पर जो सबसे कम विभव है वो सोडियम का है, यानी कि ये सबसे कम है यहाँ पर सोडियम का। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे जो थोड़ा सा अधिक है वो होगा मैग्नीशियम का, यानी कि -2.37, यानी कि सबसे कम यहाँ पर है सोडियम का। इसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम का। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद किसका होगा फिर कॉपर का यानी कि Cu, और फिर इसके बाद किसका आएगा गोल्ड यानी कि AU। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्रम में जो है यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ रहा है, यानी कि सबसे अधिक किसका है AU का, फिर उससे कम किसका है कॉपर यानी कि Cu का, फिर उससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम सोडियम का। तो यहाँ पर इस तरफ जाने पर यानी कि इनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते हैं। तो विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग कुछ धातुओं का क्रम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर होगा यानी कि सबसे कम होगा लिथियम यानी कि Li। लिथियम के बाद होता है फिर पोटेशियम, इसका प्रतीक होता है K। फिर इसके बाद सोडियम यानी कि Na। फिर इसके बाद होता है मैग्नीशियम यानी कि Mg। फिर इसके बाद Al यानी कि एल्यूमिनियम। फिर इसके बाद लिखते हैं Zn यानी कि जिंक होता है। फिर इसके बाद Cr यानी कि क्रोमियम। फिर इसके बाद Fe यानी कि आयरन। इसके बाद CO यानी कि कोबाल्ट। इसके बाद Ni यानी कि निकिल। इसके बाद Sn यानी कि स्टेनलेस स्टील। इसके बाद होता है Pb यानी कि लेड। इसके बाद H यानी कि हाइड्रोजन। इसके बाद Cu यानी कि कॉपर। इसके बाद Cu के बाद होता है Hg यानी कि मरकरी। इसके बाद Ag यानी कि सिल्वर। इसके बाद Au यानी कि गोल्ड।
तो इस प्रकार यहाँ पर ये एक श्रेणी बनाई गई है। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं इनको जो है अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसी से आपको चार तत्व अभी आपको बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा कॉपर और फिर गोल्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सोडियम पहले है यानी कि इसका अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, फिर इससे अधिक किसका होता है मैग्नीशियम का, फिर इससे अधिक कॉपर का, फिर इससे अधिक गोल्ड का। तो इस प्रकार जो ये श्रेणी प्राप्त होती है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें आप याद रखिएगा यहाँ पर कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अब इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी कि इस श्रेणी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, तो अब ध्यान दीजिए इसमें पहला दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब यहाँ पर पहले से है, ऊपर का मतलब पहले से, जो यहाँ पर तत्व तो पहले लिया गया है यानी कि एल आई, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर है। इसके बाद कौन सा है, के यानी कि पोटेशियम, तो ये इसके नीचे है। के बाद कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम यानी कि ये पोटेशियम के नीचे है। तो ऊपर का मतलब यहाँ पर जो तत्व तो सबसे पहले लिया गया है और नीचे का मतलब यहाँ पर उसके बाद वाला तत्व, तो जैसे यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम, तो लिथियम जो है वो पोटेशियम के ऊपर है इसका मतलब, और पोटेशियम जो है वो लिथियम के नीचे है। तो ऊपर का मतलब यहाँ पर पहले वाला तत्व और नीचे का मतलब यहाँ पर उसके बाद आने वाला तत्व, तो वो नीचे का तत्व होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम इस प्रकार जाते हैं तो धातुओं की रासायनिक सक्रियता घटती है, और इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता और इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण जो है वो घटते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला पॉइंट दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, जो उच्च विद्युत धनात्मक तत्व हैं वो निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर या फिर कह सकते हैं कि पहले स्थित तत्व, और निम्न विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब नीचे या फिर बाद में स्थित तत्व। तो जो ऊपर स्थित तत्व होते हैं वो नीचे स्थित तत्वों को जो है उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिंक यानी कि ZN, और इसके अलावा दूसरा लेते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जो है वो विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है और कॉपर जो है इससे नीचे स्थित है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो ऊपर यानी कि जो पहले स्थित तत्व हैं वो जो है नीचे स्थित तत्वों को उनके लवणों का जो विलयन होता है उससे उसे विस्थापित कर देते हैं, यानी कि उसे अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि जिंक जो है यहाँ पर उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है। इसके अलावा जो कॉपर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से नीचे स्थित है, यानी कि यहाँ पर ये निम्न विद्युत धनात्मक तत्व है। इसलिए जो ऊपर स्थित तत्व होता है वो नीचे स्थित तत्व को उसके लवण का जो विलयन होता है उससे विस्थापित कर देता है। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उससे कॉपर को जिंक जो है वो विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। इसके बाद तीसरा दिया गया कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान जो है वो हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्ल के विलयन से जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन को अम्ल के विलयन से अलग कर देती हैं। इसके बाद अगला दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है।
क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व रखे गए हैं उनको वहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर वहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ता है लेकिन उनकी जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि पहले से बाद में जाने पर कह सकते हैं, या फिर आप ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की जो अपचायक क्षमता है वो घटती जाती है। तो वही इसमें बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है, और क्यों घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला दिया गया है कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दी गई है इसमें आयरन से नीचे स्थित, आयरन से जो भी तत्व नीचे स्थित हैं वो धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा जो है अपचयन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए श्रेणी में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे ये हाइड्रोजन दिया गया, तो हाइड्रोजन से नीचे यहाँ पर कौन कौन सा दिया गया आपको, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इसके अलावा AU यानी कि गोल्ड। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी उपस्थित होते हैं यहाँ पर उनका जो है मान क्या होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, और जो तत्व तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वो अपचयित नहीं होते हैं। तो वही इसमें बताया गया था कि इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का जो है वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया कि जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक यानी कि धनात्मक होते हैं वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक यानी कि ऋणात्मक होता है वे प्रबल अपचायक होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें ये बताया गया है कि जिन पदार्थों के रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभव अधिक यानी कि धनात्मक होते हैं, तो मानक अपचयन विभव का मान अगर धनात्मक है तो वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, याद रखिएगा धनात्मक होने पर वे प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, तथा जिन पदार्थों के मानक अपचयन विभव का मान अधिक यानी कि ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होने पर वे प्रबल अपचायक होते हैं। तो अगर अधिक धनात्मक है तो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और अगर अधिक ऋणात्मक है तो वो प्रबल अपचायक होते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया कि इस श्रेणी में HG यानी कि मरकरी तथा इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जो मरकरी है उससे नीचे जितनी भी धातुएं हैं उनको गर्म करने पर वो स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं। तो वही लिखा गया कि इस श्रेणी में मरकरी तथा इससे नीचे की धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो गर्म करने पर स्वतः धातु में अपघटित हो जाते हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनको गर्म करने पर पुनः जो है धातु में अपघटित हो जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दिया गया कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है वह है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको चार धातुओं के नाम दिए गए और इसमें से ये पूछा गया है कि इन धातुओं में से कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो इन चारों धातुओं में से आपको एक धातु का नाम बताना है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं करती है। तो अब इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चार धातुएं कौन कौन सी हैं, एक है जिंक, इसके अलावा कॉपर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद CU यानी कि, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो CU से ऊपर है, यानी कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे होगा। इसके अलावा इसमें जितने भी धातुएं हैं यानी कि जिंक, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है मैग्नीशियम, और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम और जिंक, ये सब जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में। Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा जिंक, ये सभी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, लेकिन जो कॉपर है यानी कि CU ये हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर Mg, Al और Zn ये जो है हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक हैं, लेकिन जो CU है ये हाइड्रोजन से कम प्रबल अपचायक है, इसलिए यहाँ पर CU जो होगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन Mg, Al और Zn जो है यहाँ पर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, CU एक दुर्बल अपचायक है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ये हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है, इसलिए ये यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगी। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं करती है वो कौन सी होगी? कॉपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लिया गया कि प्रबलतम अपचायक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, Li यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा यहाँ पर CS लिया गया। तो इसमें से आपको बताना है कि प्रबलतम अपचायक कौन है। तो आपको बताया गया था अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता जो है वो घटती है यहाँ पर, और घटती क्यों है? क्योंकि बताया गया था कि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं, इसके अलावा जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर आपको कौन सा बताया गया था? लिथियम यानी कि Li, इसलिए इसका मानक अपचयन विभव, और इसका मानक अपचयन विभव होता है -3.04 वोल्ट। तो लिथियम का ये मानक अपचयन विभव होगा, तो यहाँ पर ये सबसे कम होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो ये सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए इसका मानक अपचयन विभव कम होगा यहाँ पर। तो इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि जब मानक अपचयन विभव कम होगा तो इसका मतलब सबसे अधिक प्रबलतम अपचायक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? लिथियम, क्योंकि ये धातु जो है प्रबलतम अपचायक हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा? लिथियम। क्यों होगा? याद रखना आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता घटती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान जो है वो बढ़ते जाते हैं, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में Li का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, और इसका मानक अपचयन विभव -3.04 वोल्ट है। इससे हम लोगों को ये ज्ञात हो जाता है कि लिथियम जो है वो प्रबलतम अपचायक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।